असुर कहने लगा, प्रभु हमें 1000 भुजाएं दो, हमारे बल को अच्छे कर दो, या मेरी भी अमर कर दो। भगवान बोले, अमर तो नहीं कर सकता हूं, तेरे 1000 भुजाएं होंगी, और जब तुझे मेरी जरूरत पड़े, जब तेरे पर कोई संकट आएगा तो मुझे याद करेगा ना, तो हम तेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे। अब ध्यान करना, बाणासुर भगवान शंकर से 1000 भुजाएं पाकर के क्या करता है। उन्हीं साहस भुजाओं की पल पल और सारा संसार हिलाए डाला, और निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोर मिलाई डाला। अब रहा न कोई वीर पुरुष बन के ब्रज उठाते, लाखों गज मस्तक फूल लए, सिंगन के दांत उखाड़ लए, और फिर भी बल की खुजली न घटी, तो जगह जगह पर घिसने लगा, भारी से भारी पर्वत भी आठ किनाई घिसने लगा। मेरे भैया, 1000 भुजाएं पाकर के जो है बाणासुर ने संसार में अपने बराबर का योद्धा नहीं रखा। और माताओं बहनों, जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के वृक्ष उखाड़ दिए, बड़े बड़े पीपल बरगद गुलर ऐसे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है, फिर भी बल की खुजली न घटी, तो जगह जगह पर घिसने लगा, बड़े बड़े पर्वतों को आपस में रगड़ देता है, जैसे चक्की से आटा निकलता, ये दशा हो जाती है। एक बात याद रखियो बाबा, बाणासुर की भुजाओं में इतनी खुजली हो गई, संसार में उसने कुछ नहीं रखा, और जब बाणासुर परेशान हो गया कहां पहुंचाए भोले बाबा के पास, क्या बोला, शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु कोई योद्धा बदलाओ, और शंकर जी से जाकर बोला, और प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी इन साहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ। भोले बाबा के पास में बाणासुर पहुंचा, और बाणासुर भोले बाबा से कहने लगा, महाराज हमारी भुजाओं में खुजली बहुत बढ़ रही है, कोई वीर पुरुष बताओ जिससे मैं युद्ध करूं, और नहीं तो महाराज एवं बतलावो वीर कहीं, या तुम ही दास का काम करो, और जब तुमने बल दे डाला है तो तुम ही आज संग्राम करो। बाणासुर कहने लगो, आप हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। बोले बाबा, बोले हमारो ही पढ़ाओ सुआ हमें पर कहा।